भारतीय थाली से गायब हुए दाल और दूध। क्या भारतीयों का बदल गया है जायका? खान पान में आखिर क्यों हुआ बदलाव? चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। भारत में दाल और दूध के घरेलू इस्तेमाल पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जी हां, भारतीय लोगों के खान पान में दाल और दूध की भागीदारी कम होती जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में दालों की खपत घट रही है और यही हालात दूध की खपत के भी हैं। दरअसल पुणे में हुए वैश्विक दाल सम्मेलन के दौरान सभी तरह की दाल यानी चना, मसूर, अरहर, मूंग की दालों के खुदरा बाजार और स्टॉक आंकड़े की खपत पर एक आकलन सामने आया है, जिसमें साल 2018 से 19 में दालों की खपत गिरकर 22.1 मिलियन टन पर सिमट गई है, जबकि साल 2013-14 में दाल की खपत 18.6 मिलियन टन से बढ़कर 22.5 मिलियन टन हो गई थी और इस साल देश में दाल की खपत 20.7 मिलियन रहने की आशंका जताई जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे सामने आया चौंकाने वाला आकलन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के सालाना आंकड़े बता रहे हैं कि दूध का इस्तेमाल पिछले कई सालों से बड़ा नहीं है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। साल 2008 में दूध का इस्तेमाल और साल 2019 में दूध के इस्तेमाल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो इस्तेमाल में कमी ही आई है। वहीं साल 2008 से साल 2014 में फुल क्रीम वाले दूध की बिक्री में ज्यादा बढ़ोतरी हुई। साथ ही दूध की कीमत 24 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 40 रुपए प्रति लीटर हो गई। लेकिन पिछले 5 सालों से दाम उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। मार्च साल 2019 तक दाम बढ़कर 52 रुपए ही हुए। इससे ये साफ होता है कि यदि मांग ज्यादा होती तो दाम भी बढ़ते, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि मांग भी घट रही है और दाम भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हीं सब आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि भारत में दाल और दूध में भारी गिरावट आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।